हाय, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। दोस्तों, आज मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे इस घर से जाना है थोड़े समय के बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि इस घर की कुछ यादें मैं अपने साथ लेके जाऊँ, क्योंकि हम मोबाइल में काफ़ी सारे वीडियो तो ले लेते हैं, पिक भी ले लेते हैं, बट धीरे धीरे वो हम डिलीट करते जाते हैं, तो हमारे पास रह नहीं पाती है। तो ब्लॉग के जरिए कुछ यादें मेरे पास रह जाएंगी, तो इसीलिए। और ये जो इतना आपको फैला हुआ दिखेगा ना, ये सारी पैकिंग की तैयारी हो रही है, तो सारी चीज़ें इधर उधर फैला है, पूरा घर फैला है, पूरा मैसी है, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा। तो चलिए, मैं आज से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो और मैं आपसे कुछ बातें भी करने वाली हूँ आज। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दिन भर क्या करती हूँ अपने घर में। नॉर्मल वही सब करती हैं जो सारी लड़कियाँ, सारी हाउसवाइफ करती हैं, मैं भी वही करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया है कि अभी तक के मैंने आपको अपना इंट्रो वीडियो नहीं बताया है। मैं यूट्यूब पे 2 साल से काम कर रही हूँ, बट मैंने अपने बारे में अभी तक के आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो आज मैं बता रही हूँ, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा एक बच्चा है 3 साल का, और बस यही सारी चीज़ें अभी इतना ही है मेरे पास बताने के लिए। बाकी आगे मैं कुछ और होती हूँ तो और भी आप लोगों को बताऊँगी। और दोस्तों, आज मुझे काफ़ी काम है। आज बच्चे के एक छोटा सा फंक्शन है, मुझे स्कूल में वहाँ जाना है, उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें समेटनी है। तो चलिए, मेरे साथ आप भी स्टार्ट कर दीजिए वीडियो। सारे ऊलन कपड़े मैं इसी अलमारी में रख रही हूँ, ताकि मुझे ध्यान रहे कि सारे कपड़े मैंने इसी में रखा है, और ज़रूरत पड़ने पे ये मुझे मिल जाएंगे। जब वहाँ हम जाएंगे, बेड सेट होंगे, तो इसमें से निकाल के मैं सारे बेड में डाल दूँगी ये कपड़े। तो बस यही सब चल रहा है आजकल। आपको मैं दिखाती हूँ इस रूम की हालत। पूरे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि इसलिए कि सब पैकिंग करनी है। तो अभी मुझे चाय पीना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही थी। तो अब हम लोग पीते हैं चाय। कमरे में पैर रखने की जगह नहीं है, और ऐसे ही होता है। तो चलिए, हम बनाते हैं चाय। चाय पियेंगे? कोई नहीं, सब जगह जगह सामान फैला हुआ। चलिए, हम बनाते हैं चाय। और आपने मेरा किचन देखा होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरा किचन देखा होगा। मैंने अपना रूम टूर, किचन टूर और लिविंग रूम सारे टूर डाले हैं। तो अगर आपको सही हालत में देखना है तो वो वीडियो देखिएगा। अभी तो सारी पैकिंग हो रही है। देखिए, स्टोर रूम भी एकदम खाली हो चुका है। ये मेरा स्टोर रूम है, ये पूरा खाली हो चुका है। तो सब खाली हो रही हैं चीज़ें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी चाय हो रही है, आपको पीना है तो आ जाइए। और ये मेरा टूट गया था मुझसे गिर के, तो इसको भी बनवाना है मुझे। और तो अभी मेरा ब्लैक टी पीने का मन कर रहा है। और मुझे आपसे ये बात करनी थी कि जैसे कि सभी जान रहे हो कि इस समय एक वायरस जो है काफ़ी फैला हुआ है, कोरोना वायरस, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हुआ है, आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव है आपका केस, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डॉक्टर से को दिखाएँ, कहाँ जाएँ, कहाँ टेस्ट करवाएँ आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो हेल्पलाइन नंबर जो हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है, वो हेल्प उस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है, और आपको बताना है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कोरोना वायरस है। तो वो लोग खुद आएंगे, आपके सैंपल लेके जाएंगे, और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको है कि नहीं है। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको प्रॉब्लम, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग खुद ही आपका इलाज करेंगे। वो लोग अगर संभव हो सकेगा तो आपका घर पे इलाज करेंगे, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो आपको वो जहाँ भी इसका इलाज हो रहा होगा वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग उनसे कॉपरेट कीजिएगा, और वो जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। और जो हेल्पलाइन नंबर आपको बताया जा रहा है ना, वो प्लीज़ आप लिख के रखिए। आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ, आपको सतर्क रहना है और दूसरे को भी सतर्क करना है। कोई भी अफवाह ना फैलाएं, ना फैलने दें, इस पर भी आपको काम करना है। तो ये देखिए, हमारी चाय हो गई है, तो अब इसको हम छान लेते हैं बस। अभी मेरा किचन साफ नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ चाय थोड़ी देर में पीऊँ, पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो थोड़े से बर्तन हैं, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी इसको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि अगर हमें शाम को देर हो जाए आने में तो फटाक से बस खाना बनाना रहे, बाकी और कोई काम ना रहे। बर्तन धोने के बाद मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन भी काफ़ी मैसी हो गया।
इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म और गैस भी साफ कर लूँगी ताकि फिर मुझे शाम को ना करना पड़े। बर्तन धोने वाले जो जूने आते हैं जो थोड़े रबड़ होती है थोड़ा सा उसमें स्टील होता है, इसी से मैं प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ। इससे जितने भी दाग होते हैं ना काफ़ी आसानी से चले जाते हैं और हमें ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ता, एकदम क्लीन हो जाता है। गैस भी मैं इसी से साफ करती हूँ ताकि ज़्यादा घिसना ना पड़े और आसानी से ये क्लीन हो जाए। सार्थक के पापा टीवी देख रहे थे तो वही कह रहा है डैडू टीवी ना देखो आई खराब हो जाएगी, यहाँ खराब हो जाएगी और यहाँ मैं ये सफाई कर रही हूँ और फिर यहाँ पे गंदगी करना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों मेरा काम हो गया फिनिश, अब मैं पीने जा रही हूँ अपनी चाय चाय। और ये देखिए बाबू ने क्या किया, ये ना यही करता है, चाय हल्की सी बस मुझे गर्म करनी है, गर्म है ऐसे। जब तक किचन का हो जाता है, ये हो गई है मेरी चाय ब्लैक टी। चलिए दोस्तों मेरी टी तैयार हो गई है, अब मैं इसको पीती हूँ, उसके बाद तैयार होते हैं हम। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है अब तो बस यही देखना है कि कब जाना है कब आना है, इनको भी रेडी करना है। 3 बजे तक के हम लोग को निकल जाना है, अभी हो रहे हैं 2 बजे हैं शायद, तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बाबू को रेडी कर लूँगी, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो चाय पीते हैं और हम लोग आ गए हैं बाबू को लेके यहाँ फंक्शन में, क्योंकि मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था और मैं और वीडियो नहीं शूट कर पाई थी अपना मेकअप ट्यूटोरियल, तो मैं किसी और दिन आपको दिखा दूँगी। और अभी यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है, तो अब यहाँ कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, पता नहीं मैम लोगों ने इनको कैसे सिखाया होगा डांस, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो सुगु जो है थोड़ी शैतानी कर रहे हैं, उनकी टीचर उनको कह रही है बैठने मतलब स्टैंड अप होने को, बट वो अपने फ्रेंड के साथ बैठना चाहते हैं। तो यहाँ हो रही है सरस्वती खुद। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यानी जब बाबू का डांस ख़त्म हो गया था तो वो फिर रोने लगा था, उसको और डांस करना था, स्टेज पे जाना था, इस वजह से उसे हमें लेके घर आना पड़ा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, बीमार हो रहा था। और ये आ गए हैं, बाबू का डांस हो रहा है अब, ये उसकी क्लास आ गई है, तो चलिए एंजॉय करते हैं हम लोग। Yeah.
यहाँ पे रोने लगे तो हमें इन्हें घर लेके जाना पड़ा और ये अपने सर के साथ चल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। बारिश हो गई थी, फिर भी स्कूल वालों ने अच्छा सा प्रोग्राम करवाया, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। और यहाँ ये बाहर का व्यू है इसके, बाहर यहाँ थोड़ी सी शॉप लगी थी तो बाबू यहाँ से टॉय खरीद लिया है, क्योंकि टॉय दिखे और ये खरीदे ना ऐसा हो नहीं सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या लिया है और कहाँ से लिया है। क्या लोगे बाबू, क्या लोगे? कौन सा लोगे, ले लो बता दो। बाबू ने यहाँ से कार ले ली है और हम लोग अब चलते हैं। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।